पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी पंचतत्व में विलीन, मुख्यमंत्री सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद विधायक विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी मंगलवार की देर शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दुखद घड़ी में श्री तिवारी के पैतृक गांव तिवनी में प्रदेश के मुखिया कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया सहित कई पूर्व मंत्री, विधायक सहित श्री तिवारी के समर्थक उपस्थित रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री तिवारी के पैतृक गांव तिवनी में। चलो चैन आगे बढ़ाओ, रास्ता बंद हो जाएगा। भैया थोड़ा साइड हो जाएगा, भैया 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 स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी को लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक विंध्य क्षेत्र का एक बहुत बड़े नेता थे, उनका एक प्रभाव था। श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके सुपुत्र थे, उनकी कमी हमेशा इस क्षेत्र में फैलेगी। और एक विधान पुरुष थे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उन्होंने जनता की आवाज़ को पूरी ताकत से उठाया था। ऐसे बहुत ही आदरणीय नेता को मैं सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मिला, मैं समझता हूँ कि वो मैं खुद मेरी अंदर की भावना समझ सकती है। एक अच्छे वक्ता, अच्छे नेता, अच्छा इंसान, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विचारधारा थी उनमें, उस पर के प्रति वो दृढ़ थे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए और प्रदेश के लिए भारी क्षति पहुँची है। हम सब परिवार के लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी की आकस्मिक मृत्यु हम सबके लिए, कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। और हम समझते हैं कि ऐसे निर्भीक और बेबाक नेता, जो चाहे वो विधानसभा या लोकसभा के अंदर हो या सड़क पे, कभी भी किसी भी धरना प्रदर्शन, जनहित के मुद्दों को लगातार वो उठाते रहते थे। तो जिस तरह निर्भीकता से उठाते थे, कभी वो डरते नहीं थे। और साथ में क्षति को पूर्ण होते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भ्रष्टाचार को वास्तव। हमारे सहयोगी और परम मित्र माननीय सुंदरलाल तिवारी जी के दुखद देहांत के समाचार सुनकर हम शब्द रह गए, स्तब्ध रह गए और कभी सोचा भी नहीं था कि वो अचानक चले जाएंगे। सुंदरलाल तिवारी जी निर्भीक व्यक्ति थे, स्पष्ट वक्ता थे और जो विरासत उन्हें माननीय श्रीनिवास तिवारी जी से मिली थी, पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति थे। आज भी हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनको असहनी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।